नमस्कार सिक्स क्लास, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग सभी अच्छे होंगे। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को हस्त साधना लेसन थ्री सिखाया था, कर तेटे घीघी तेटे, कत्ता कत्ता घीघी तेटे, कर तेटे घीघी तेटे, घीघी तेटे घीघी तेटे। ये हस्त साधना लेसन थ्री था। आज मैं आप लोगों को हस्त साधना लेसन फोर सिखाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं हस्त साधना लेसन फोर। तो लेसन फोर का पहला बीट जो है वो है ते टे ते टे कीट ता का, ते टे ते टे कीट ता, ते टे ते टे कीट ता का, ते टे कीट धा। तो इसको हम लोग बजा के देखते हैं ये कैसे बजेगा। ते टे ते टे कीट ता का, ते टे ते टे कीट ता, ते टे ते टे कीट ता का, ते टे ते टे कीट धा, ते टे ते टे कीट ता का, ते टे ते टे कीट ता, ते टे ते टे कीट ता का, ते टे ते टे कीट धा। तो ये लेसन फोर का फर्स्ट बीट है। इसमें बच्चों एक चीज का ध्यान रखना है, जो आपको ता और धा दोनों जोर से बजानी है। जब ता आता है और जब धा आता है, तो दोनों जो है आपको जोर से बजानी है। अब हम सेकेंड बीट देखते हैं। तो सेकेंड बीट है, इसी से मिलता जुलता, ते टे कीट ता, ते टे कीट धा, ते टे कीट ता, ते टे कीट धा। इसको हम लोग इस तरह से बजाएंगे, ते टे कीट ता, ते टे कीट धा, ते टे कीट ता, ते टे कीट धा। इसमें भी हम ता और धा जो है वो जोर से बजाएंगे, ता और धा। इस दोनों बीट को हमें जोर से बजाना है। अब हम आते हैं थर्ड बीट पर। थर्ड बीट जो है वो है धा 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 धा, ता धा 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 धा, फिर से धा 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 धा, ता धा 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 धा। तो बच्चों हमने अभी तक देखा, जो जितने हस्त साधना है उसमें धा अभी तक नहीं बजा था। तो लेसन फोर का ये इम्पोर्टेंस है, जो ये दोनों हाथ एक साथ बजाने का ये लेसन है। तो इसमें धा हम पहली बार बजाते हैं, धा देखो दोनों एक साथ बजता है। तो ये धा को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए लेसन फोर बनाया गया है। तो हम बजाते हैं बीट थर्ड को, धा 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 धा, ता धा 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 धा, धा 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 धा, ता धा 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 धा। अब नेक्स्ट बीट, नेक्स्ट बीट में तुन ना तुन ना तुन ना तुन ना। ये तुन ना स्याही के बीच में जब हम खुला उंगली से बजाएंगे, तो तुन ना तुन ना तुन ना तुन ना तुन ना। तो ये स्याही जो है, स्याही के बीच में खुला उंगली से, इसको दबाना नहीं है, दबाएंगे तो आवाज नहीं आएगा। इसको तुन ना तुन ना तुन ना तुन ना।
तो इस लेसन में हम लोग तुलना भी सीखे। अब जो है धिन ना, धिन ना, धिन ना, धिन ना, इसको हम लोग स्याही और लब, स्याही और लब का जो बीच का स्थान है उस पे हम लोग बजाते हैं तो धिन ना निकलता है। धिन ना, धिन ना, धिन ना, धिन ना। कोई कोई बच्चा जो है वो धिन भी यही मारता है तो वो गलत है, थोड़ा सा आगे बजता है धिन। धिन ना, धिन ना, धिन ना, धिन ना, धिन ना, धिन ना, धिन ना। तुन्ना जो है सिर्फ दाहिने हाथ से बजता है, तबले पर बजता है, तुन्ना, तुन्ना। और धिन्ना जो है वो दोनों हाथ से तबला और डग्गा दोनों पे बजता है, धिन ना, धिन ना, धिन ना। अब इसी को अभ्यास करते हुए आगे का बीट है ती र की ट तुन ना, ती र की ट तुन ना। जैसे आपको पता है हस साधना में हाथ की जो चलने की प्रक्रिया है उसको तेज किया जाता है, तो तुन्ना भी हम तिरकिट के साथ बजाएंगे जिससे हमारा फिंगर जो है वो मजबूत होगा। ती र की ट तुन ना, 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 ती र की ट तुन ना। इसी तरह से नेक्स्ट बीट ती र की ट धिन ना, ती र की ट धिन ना। तो हमने बताया था जो धिन्ना कैसे बजाना है, तो ऐसे धिन्ना बजाना है, उसी में हम ती र की ट धिन ना, 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 ती र की ट धिन ना। ये अभ्यास के लिए है, तुन्ना और धिन्ना को कैसे अभ्यास करना है, तीरक कीट तुन्ना और तीरक कीट धिन्ना। अब लेसन फोर का जो नेक्स्ट बीट है वो इस दोनों को, तुन्ना और धिन्ना को, दोनों को जोड़ दिया गया है। जैसे तीरक कीट तुन्ना, तीरक कीट धिन्ना, तीरक कीट तुन्ना, ती र की ट धिन ना। इसको इस तरह से बजाएंगे, ती र की ट तुन ना, ती र की ट धिन ना, ती र की ट तुन ना, ती र की ट धिन ना, ती र की ट तुन ना, ती र की ट धिन ना, ती र ना। अब इस लेसन का जो नेक्स्ट बीट है वो है धा तुन ना, धा तुन ना। तो तुन्ना पहले आपको बताया गया है, ना भी आपको पता है, धा भी पता है, तो धा तुन ना, धा तुन ना, धा तुन ना, धा तुन ना। अब इस लेसन का जो लास्ट बीट है वो है धातुन्ना बताया गया आपको, अब धा धिन्ना, धा धिन्ना, धा धिन्ना, धा धिन्ना, धा धिन्ना। अब ये दोनों को अगर जोड़ देंगे धा धिन्ना, धा तुन्ना, तो ये दादरा ताल बन जाता है। अब आपका लेसन फोर जो है ये समाप्त हो रहा है और आपका ताल शुरू होगा, तो इस ताल में आप जो है दादरा ताल ही सीखेंगे। तो अब मैं लेसन फोर्थ को जो है सारा बीट एक साथ बजा के आपको और स्पीड में आपको बजा के दिखा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट ते 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 की ता ते 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 की ता ते 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 की ता ता।
साधना लेसन 4 किस तरह से हम बजाएंगे, तो इस तरह से आप अभ्यास कीजिए, आपका सारा लेसन हो गया। लेसन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सारे मैंने वीडियो बना के आपको सिखाया है, तो आप अच्छे से अभ्यास कीजिए और फिर हम अगले वीडियो में अब हम ताल शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।